जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर मंडी में भाव। आज दिनांक 9 दिसंबर 2023, वार है शनिवार और हम देखने वाले इंदौर मंडी में आखिर प्याज का क्या भाव रहने वाला है। किसान भाई, अगर प्याज की बात करें तो आवक की मैंने आपको बताई दी आवक वाले वीडियो में, और आवक वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि 60,000 के आसपास कट्टे तो होंगे। बाकी भाव जो चल रहा है वो सारा मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि एक वीडियो आने वाला, कल एक वीडियो डाला था मैंने जिसमें मैंने बताया था निर्यात से संबंधित रिपोर्ट, तो उसकी पूरी जानकारी मैंने ले ली है, सारी चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। अभी आज 2 या 3 बजे के बीच में उसकी पूरी जानकारी मैं आपको दे दूंगा, आखिर वो क्या बात थी क्या था। सरकार ने जो है वापस जो MEP यानी मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस था वो वापस कहीं ना कहीं लगा दिया है। अब उसका असर क्या है, क्या नहीं असर रहेगा, क्या चीज़ें उसकी हम लोग चर्चा जो है वो 2 से 3 बजे के बीच में जो वीडियो आएगा उसमें करेंगे। फिलहाल इतना बता सकता हूँ अभी कि उससे असर तो पड़ा है, वो अभी आज मार्केट में आपको जो भाव जो जा रहे हैं आज के उससे आपको पता लग रहा होगा जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तब। दूसरी चीज़ है कि प्याज के बारे में ही बात हुई उसकी, लहसुन में ऐसी कोई बात नहीं हुई कि जिसमें मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगाया है आप या फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी कुछ जो आप समझ सकते उस चीज़ को वो लगाई गई है। पूरा वीडियो क्लियर, वो जो नोटिस है नोटिस के साथ पूरा वीडियो में 2 या 3 बजे के बीच में वीडियो आएगा उसमें पूरा क्लियर कर दूंगा। फिलहाल अभी हम देखते हैं कि आखिर प्याज का आज भाव क्या रह रहा है और क्या मतलब चल रहा है, वो सारी की सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। किसान भाई, कल मैंने खबर डाली थी निर्यात की खबर करके, तो उसमें कुछ किसान भाई, मैं बोलूँ किसान भाई तो क्या होंगे वो लोग, उन्होंने मुझे बोला था कि तू क्यों डरा रहा है किसान भाइयों को क्या है। तो भाई सीधी सी बात है, मेरा काम है सही जानकारी देना। मैंने कल जानकारी दे भी दी थी कि खबर आ रही निर्यात की और उसका असर जो है, अभी देखो आप वीडियो अगर आगे आप देखेंगे तो आज भाव पे क्या असर हुआ आपको समझ में आ जाएगा। जो प्याज 30 रुपये 32 रुपये बिक रहा था आज उसको 25 रुपये बेचने में पसीना आ रहा है। 25 तक बिका है लेकिन पसीना आ रहा है उसको बेचने में, खींच के बेचना पड़ रहा है। जो प्याज जो कल कहीं ना कहीं गोल्टा 25 रुपये 30 रुपये जा रहा था, 25 तो जा ही रहा था, वो आज 20 रुपये पे आ गया है। सही बात बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ बिल्कुल भैया, कल 30 रुपये प्याज मैंने ली, 32 रुपये पाना मेरे, और आज वही 25 रुपये बेचने में पसीना आ रहा है, 20 रुपये में खर्च करना पड़ रही है। तो वही सारी चीज़ मैंने कल बताया भी था, खबर आई है, वो खबर क्या थी क्या नहीं थी। अगर आज प्याज की बात करें तो किसान भाई, प्याज जो है वो 25 रुपये के आसपास बिका है ज़्यादातर, मतलब जो अच्छा वाला था, बाकी 20 रुपये से लेकर 25 रुपये गया है। उल्टा साइज़ जो 15 रुपये से लेकर के 20-22 तक गया है, मतलब मैं सीधी सी बालू मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो कल और आज में कम से कम 5 से 7 रुपये की कहीं ना कहीं आज बाज़ार गिरा हुआ है। मतलब 5 से 7 रुपये तो मान ही लो आपकी बाज़ार नीचे गिर गया है। और पुराना प्याज जो 40 के आसपास बिक रहा था वो 35 के आसपास बिका है अच्छा वाला, और जो उसमें दागी वाला जो था, दागी वाला भी कहीं ना कहीं ये मान के लो वो तो ख़त्म ही हो गया पूरी तरह से। और नया प्याज की मैंने आपको बता दिया, जो कल 35 रुपये 37 रुपये तक बिका था आज उसको 25-26-27 रुपये बेचने में पसीना आ रहा है। तो ये सारी खबर थी, आप पूरा वीडियो देखेंगे आपको पता लग जाएगा। चलिए जय जवान जय किसान जय बलराम। आज 2 से 2:30-3 बजे के बीच में एक वीडियो डालने वाला हूँ जिसमें मैं MEP या मैं बोलूँ एक्सपोर्ट प्राइस का क्या इफेक्ट है क्या नहीं है वो सारी चीज़ें उसमें क्लियर कर दूंगा। साथ में नोटिस भी बता दूंगा क्या नोटिस है वो वाला, इसका असर प्याज पे क्यों होगा और लहसुन पे क्यों नहीं होगा। लहसुन पे थोड़ा बहुत ही हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लहसुन तो ठीक ठाक रहेगा क्योंकि उसमें लहसुन का ऐसा कुछ बोला नहीं है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी क्या हुआ। तो आपको 2 से 3 के बीच में एक वीडियो मिलेगा, उसको जरूर देख लेना ताकि उससे आपको पता लग जाएगा कि आखिर क्या हुआ, किस कारण प्याज डाउन हो रहा क्या हो रहा। चलिए जय जवान जय किसान। फिलहाल अभी आप ये प्याज का क्या भाव रहा वो वीडियो देखिए आप। साढ़े तेरह रुपये किसान भाई, पुराना प्याज है छाटा ने 13.5 रुपये के हिसाब से गया, कहीं ना कहीं व्हाइट व्हाइटनेस आ चुका और गया 13.5 रुपये के हिसाब से 17। किसान भाई ये वाला कहीं ना कहीं बिका है 17 रुपये के हिसाब से, प्याज देखेंगे जिसमें बड़ा साइज़ प्याज भी है और मीडियम साइज़ प्याज भी कहीं ना कहीं, लेकिन मैं आपको बता दूँ गीला हो रहा है, ये दागी हो रहा है कहीं ना कहीं, गीला हो चुका है कहीं ना कहीं, तो ये गया है 17 रुपये के हिसाब से। अरे 25 लगा हुआ किसान भाइयों, ₹25 लगा हुआ किसान भाइयों कहीं ना, 17.51 किसान भाई ये वाला भी का 17.51 रुपये के हिसाब से, गोल्टा साइज है कहने के अगले की लंबी चोंच भी आ रही पीछे पीछे कहीं कहीं, बाकी तो गोल्टा साइज है और ये गया 17.51 रुपये के हिसाब से। दादा क्या नाम है? साहू जी कहाँ से आए? इंदौर से। आप व्यापारी लग रहे मेरे को, ये क्या भाव बिकते हो देखा आपने? 1751 रुपये। दादा आप क्या लेके आए? बिक गया? बिक गया नहीं बिका भी?
दादा आपका बिक गया? अभी नहीं बिका। चलिए जय जवान जय किसान जय बलराम। ठीक है भैया, 33 रुपए लगा हुआ फिलहाल, 33 रुपए के हिसाब से 33 लगा हुआ किसान भाइयों। क्या लगा? 1700 लगा हुआ किसान भाइयों। वो बिक गया क्या? ये 15 लगा हुआ किसान भाइयों, 17 लगा हुआ, 35 रुपए लगा हुआ किसान भाइयों, 36 रुपए लगा हुआ किसान भाइयों, 36 रुपए लगा हुआ कहीं के फिलहाल अभी 36 लगा हुआ किसान भाइयों, 36 रुपये 35 रुपए 50 पैसे किसान भाई। ये वाला बिका 35 रुपए 50 पैसे के हिसाब से। प्याज सूखा प्याज जरूर है, पुराना प्याज है, चॉकलेटी हो चुका कहीं ना कहीं। आप कहीं माले? अच्छा आपने बेचा 35 रुपए 50 पैसे। ठीक है भैया, लग रहा है बिक गया, लग रहा ये वाला बिक गया। क्या भाव बिका है? नहीं, ये क्या भाव दिया? 35 किसान भाई। ये वाला बिका कहीं ना कहीं 35 रुपए के हिसाब से, पुराना प्याज है कहीं ना कहीं, और चॉकलेट ही हो चुका है। बाकी इसमें देखा जाए तो मीडियम साइज़ और बड़ा साइज़ भी है कहीं ना कहीं इसमें, बाकी मीडियम साइज़ भी कहीं ना कहीं। और ये क्या 35 रुपए के हिसाब से, 25 रुपए लगा हुआ फिलहाल, 25 रुपए लगा हुआ कहीं ना कहीं, 2500 ये हो गया। ये क्या मामा? 25 किसान भाई। ये वाला हुआ डन 25 रुपए के हिसाब से। प्याज देखें इसमें गोल्टा साइज भी कहीं ना कहीं, और उसके अलावा मीडियम साइज वाला भी कहीं ना कहीं। ये क्या 25 रुपए के हिसाब से, 25 रुपए सूखा प्याज है। बाकी देखा जाए तो उगने की समस्या तो नहीं आ रही, हालांकि कहीं कहीं हल्का हल्का गीला भी है कहीं कहीं देख रहा हूँ। यह 25 रुपए के हिसाब से 17 हो चुका है। पौने अठारह लग चुका है। ये वाला गया 17.5 के साथ। ये गया 17.75 रुपए कहीं ना कहीं। देखा जाए प्याज गोल्टा साइज प्याज है, लंबा साइज भी बीच बीच में कहीं कहीं आ रहा है, और गया 17.5 रुपए के साथ। 1300 लगा हुआ किसान भाइयों कहीं ना कहीं। 13 रुपया 13 हो चुका किसान भाई, 14 रुपया 15 रुपए कहीं ना कहीं, 15 रुपए में किसान भाई। ये वाला हो गया डन, ये वाला गया किसान भाई 15 रुपए के हिसाब से, उल्टा साइज ही कहीं ना कहीं। लेकिन इसमें प्याज देखेंगे आप कहीं ना कहीं, प्याज जो है देखो अभी उगने लग गया कहीं ना कहीं इसमें। ये देखो आप उग रहा है कहीं ना कहीं, ये 15 रुपए में गया। 1851 किसान भाई। ये वाला बता गया 1851 रुपए के हिसाब से कहीं ना कहीं डन हो गया गोल्टा वाला, 18 रुपए 51 पैसे के हिसाब से। 25 लगा हुआ किसान भाई, 25 रुपए के हिसाब से। क्या नाम है? देवीलाल पटेल। पटेल साहब कहाँ से आए? आज क्या लेके आए थे? प्याज। प्याज बिक गया कि बिका? अभी नहीं बिका। वीडियो कैसे लगते हैं? एक नंबर अच्छे लग रहे हैं। चलिए जय जवान जय किसान जय बलराम। ठीक है, क्या नाम है? दीपक पुरिया। कहाँ से आए? पोखर। आज क्या प्याज लेके आए? बिका कि बिका? अभी नहीं बिका। वीडियो कैसे लगते हैं? बढ़िया बढ़िया डेली अभी जस्ट। अच्छा अच्छा, तो वीडियो अच्छे लग रहे हैं ना? बिल्कुल। चले चले जय जवान जय किसान। ठीक है ठीक है। 18 लग रहे हैं। 18 दो, 18 रुपया 18 रुपए लगा हुआ है। 18 रुपया 18 रुपए लगा हुआ किसान भाई। किसान भाई ये अभी फिलहाल लगा हुआ है 15 रुपए 15 रुपए हिसाब से किसान भाई डन हो गया। ये वाला गीला हो रहा है कहीं ना कहीं। ये वाला 15 रुपए गया है। ये क्या 15 रुपए? हाँ उगाओ भी है उसमें। वो देखो आप, ये वाला डन हुआ 15 रुपए के हिसाब से। इसका आपका माल है क्या? क्या 19 रुपए के हिसाब से कहने के डन हुआ। ये वाला प्याज बड़ा प्याज है, इसमें मीडियम साइज भी आ रहा है, और 19 के हिसाब से गया 19 रुपए 18.5। ये वाला बिका 18.5। आवाज क्लियर नहीं आ रही होगी, आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। और ये क्या 18.5 के हिसाब से प्याज देखेंगे तो इसमें बड़ा साइज प्याज भी और कहीं ना कहीं बीच बीच में मीडियम साइज प्याज भी आ रहा है। और ये क्या 18.5 रुपए कौन सा? ये वाला किसान भाई, ये वाला क्या 18 रुपए के हिसाब से कहीं ना कहीं। प्याज देखें तो बड़ा साइज है, हालांकि देखो इसमें कहीं ना कहीं उगने वाला भी समस्या आ रही है। 18 गया है। ये क्या लग रहा है दादा? 12 रुपए लगा हुआ किसान भाई। 14 रुपए लगा हुआ कहीं ना कहीं। 14 रुपए ये वाला गया कहीं ना कहीं 14 रुपए के हिसाब से डन हो गया। ये वाला ये गया कहीं ना कहीं 14 रुपए के हिसाब से 14 रुपए।